आप देख रहे हैं YMS News 24। आइए देखते हैं आज की खबर दमोह मध्य प्रदेश से। केडी जैन संभाग ब्यूरो चीफ एवं रुकसिन योधी कैमरामैन के साथ। दमोह जिला अंतर्गत उपकाशी हटा नगर में गुरुवार को नगर के गौरी शंकर मंदिर प्रांगण में बागेश्वर धाम के पैठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मुखारविंद से सप्त दिवसीय भागवत कथा आयोजित होना है। उसी के उपलक्ष्य में देव श्री बालाजी मंदिर श्री गौरी शंकर मंदिर तक एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में नगर के राम गोपाल जी सरकार, बालाजी सरकार, बिहारी जी सरकार के साथ समस्त मंदिरों के भगवान की झांकियां शोभा यात्रा में आगे आगे चलती रही। महिलाएं कलश सर पर रखकर चलती रही। शोभा यात्रा में गाजे बाजे के साथ डीजे की धुन पर बच्चियों ने गरबा नृत्य प्रस्तुत कर भक्तिमय माहौल निर्मित किया। वह भगवा ध्वज लहराते हुए शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाए। शोभा यात्रा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ बड़ी संख्या में नगर के धर्मावलंबियों व भक्त जनों की उपस्थिति रही। सात दिवसीय कथा प्रारंभ होने के पूर्व श्री बागेश्वर बालाजी धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने नगर के पत्रकारों को वार्ता के दौरान कही। श्री शास्त्री जी ने कहा कि बुंदेलखंड की यह उपकाशी मंदिरों का, संतों का यदि यह कहा जाए कि भक्तों का शहर है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान, सहनशीलता व साहसी बनाने से ही उनकी आत्महत्या बंद होगी। दरबार की महिमा के बारे में उन्होंने की, यह सब सरकार की कृपा का फल है। वेद मंत्रों की ऋचाओं की महिमा और लोगों की भावना का प्रतिफल है। युवाओं में नशा की प्रवृत्ति को बढ़ने को लेकर शास्त्री जी ने कहा कि राम नाम की कथा का नशा जब घर घर में पहुँचेगा तभी व्यसन नशा से युवा दूर होगा। भगवान की भक्ति, माता पिता की सेवा, भारत के स्वाभिमान का नशा होना चाहिए, न कि व्यसन नशा का। हाल ही में हमारे नगर की एक गौशाला को प्रदेश में द्वितीय स्थान मिला है, मुख्यमंत्री के द्वारा पुरस्कार भी मिला है। बहुत अच्छी गौ सेवा करती है, तो उस बारे में आप क्या संदेश? देश को बचाना है तो गाय को बचाइए, देश को विश्वगुरु बनाना है तो गाय को बचाइए, देश को अगर धनपति बनाना है तो गाय को बचाइए, और गाय को राष्ट्रीय पशु नहीं राष्ट्रीय धन घोषित कीजिए। देश को अगर बचाना है तो गौ माता को राष्ट्रीय धन घोषित कीजिए। आप हमारे देश में इस क्रांति की बहुत आवश्यकता है, हमें प्राचीन पद्धति पर जाना पड़ेगा। गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय, एक हिंदू परिवार में एक गौ माता हो तब गौ माता बचेगी, तभी गौ माता का पुनः संरक्षण होगा, और गौ माता का संरक्षण होगा तो देश का संरक्षण होगा, वरना हो नहीं सकता। देश की दुर्दशा सुधारनी तो गौ माता की दुर्दशा सरकार को, शासन को, प्रशासन को और प्रत्येक हिंदुओं को सुधारने का बीड़ा उठाना पड़ेगा। इसलिए हमने नारा दिया है, आपने सुना है कभी? जी जी। गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय, देश में पहली बार ये नारा बागेश्वर धाम से उठा। कब लगेगा? तारीख कल है 22 और 23 तारीख, दो दिन दरबार। अब अर्जी तो वो बागेश्वर बालाजी के ऊपर है, मन में राम नाम को जप करके बैठियो, जी को जब ज्यादा होंगे, जी की वास्तविक परेशानी बालाजी है, गुरु जी सन्यासी बाबा को सुननी होगी, हमें भी प्रेरणा दे दें ना, तो ऐसा अभी उनके हमसे बात आकर के मन में जैसी प्रेरणा लगा था उनसे बता रहे। हमारी कौन मेहमानियाँ भैया, बागेश्वर बालाजी की महिमा है, उन्हें यहाँ पकड़ो। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने हम लाभ दे दें, दो दिना दरबार लगा भी, एक दिना भगूति बांट दे भी, एक दिना सामूहिक अर्जी लगा दे भी, ताकि कोई निराश ना जाए, जा हमारी कोशिश है।